जैसे निकाय चुनाव की तारीख पास आती जा रही वैसे वैसे दिग्गज नेता निकाय चुनाव में अपनी जीत के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। आज इकदिल नगर पंचायत से अपने प्रत्याशी के लिए रामगोपाल यादव ने एक जनसभा में आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़क छाप गुंडा है। केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की गद्दी पर जो बैठे हैं वो सब मौरिच हैं। नोटबंदी पर कहा नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को लाइन में लगा दिया, जो बेचारी अपने पति से एक दो रुपये बचाती थी उसे भी अपने काले धन में जमा करा लिया। सबसे शर्मसार की बात यह है कि मोदी ने अपनी बुजुर्ग माँ को भी लाइन में लगा दिया। नोटबंदी से मोदी की गड़की, नोटबंदी से 40% फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। भाजपा के मंत्रियों के इतने आपराधिक इतिहास हैं जिनकी लिस्ट नहीं बनाई जा सकती। ईवीएम मशीन के बारे में कहा कानपुर में हुए निकाय चुनाव में ईवीएम मशीन से कहीं भी बटन दबाई सीधे ही भाजपा में जा रहा था। ब्लैक मनी के नाम पर महिलाओं ने जो 20-20 30-30 साल में एक एक दो दो रुपया इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा किया था वो भी जमा हो गया। अच्छा ये बताइए कि आदमी अपने घरों में महिलाओं को पैसा देता है, भाई सब्जी लाना है, बच्चों को फीस देनी है, तुम्हें देखना है, लेकिन ईमानदारी से वो खर्च करते हैं, 2-4 रुपया बचा लेते हैं। बचा बचा के उन्होंने प्रधानमंत्री की मां ने पूरे जीवन में 4500 रुपया बचाए और उन्हें 500-500 के नोट में बदलवा लिया। जब ये नोटबंदी हुई तो इससे दुखद बात क्या हो सकती कि महिलाएं लाइन में लगी थी, प्रधानमंत्री की बुजुर्ग मां जिसने जीवन भर में 4500 रुपया इकट्ठे कर पाए थे उन्हें भी लाइन में लगना पड़ा पैसा बदलने के लिए। मैंने पार्लियामेंट में पूछा वित्त मंत्री से कि बताइए जो महिलाओं ने पैसा वापस किया है, जमा जो किया है, इसमें एक पैसा भी ब्लैक मनी का है?